हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल 3A टीम। आज हम कंपाइलर डिज़ाइन का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके थ्रू हम एक NFE डिज़ाइन करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। जो एल्गो हम इसके अंदर यूज करेंगे दैट विल बी कॉल्ड द थॉमसन कंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम बेसिकली यूज क्यों होती है, जिससे कि हम कोई भी एक NFE डिज़ाइन कर सकें विद द हेल्प ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। तो गाइस, इसको बनाने के लिए बेसिकली हमारे पास टोटल 5 रूल्स हैं, तो इन रूल्स को डिस्कस करते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर हम एक एग्जांपल लेंगे और उसके थ्रू हम अपना NFE डिजाइन करेंगे, दैट इज अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, तो सबसे पहले वाला रूल क्या है कि अगर हमारे पास कोई रेगुलर एक्सप्रेशन नल है, सपोज हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन में नल है, तो उसका हम NFE किस तरीके से बना सकते हैं कि हम दो स्टेट्स लेंगे, दिस इज द वन स्टेट एंड दिस इज द सेकंड वन स्टेट, और उनके बीच में हम एक नल पुट कर देंगे। ठीक है, दिस विल बी द NFE फॉर दिस नल सिंबल इन द रेगुलर एक्सप्रेशन if we are using the Thomson construction method. The second rule is that if we are having a input alphabet A, अगर हमारे पास regular expression में कोई भी एक single input alphabet आता है, तो उसको हम NFE किससे replace करेंगे? There will be two states like null. बिल्कुल null जैसा rule है, यहाँ पे null की जगह क्या हो जाएगा? Simple state A means simple input alphabet A. Arrow पे हम क्या put करेंगे? A. ठीक है ना? One is the initial state and the other one will be the final state. थर्ड, अगर हमें यूनियन के लिए बनाना हो NFE, यूनियन मींस कई बार यूनियन को हम ए प्लस बी से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार यूनियन को हम ए स्लैश बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन में इस तरह का कुछ सिंबल दिखे तो आप उसका NFE इस तरीके से बना सकते हैं। मींस देयर विल बी अ टोटल ऑफ 6 स्टेट्स इन दिस केस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, वी आर नॉट नंबरिंग द स्टेट नंबर। हम जब बाद में कोई भी एक एक्सप्रेशन हमें गिविन होगा, जब हम उसका फाइनल NFE बना लेंगे, तो वहां पे हम उसका नंबर इजीली दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ, 6 स्टेट्स हमने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिकली सपोज मुझे a प्लस बी के लिए बनाना है, तो यहाँ पे हमारा a आ जाएगा इन दोनों स्टेट्स के बीच में, इन दोनों स्टेट्स के बीच में मेरा b आ जाएगा, और बाकी जो ये वाली स्टेट है फर्स्ट और लास्ट वाली, इनको हम सभी स्टेट्स के साथ नल से जोड़ देंगे। मींस फर्स्ट को सेकंड वन के साथ, फर्स्ट को थर्ड वन के साथ, एंड दिस स्टेट विल बी एडेड टू द फाइनल स्टेट एंड दिस इज ऑल्सो एडेड टू द फाइनल स्टेट, और इनको नल से पुट कर देंगे बेसिकली। ठीक है, तो दो नल यहाँ पे आएंगे, दो नल यहाँ पे आएंगे, और एक ए सिंबल यहाँ पे आएगा, बी सिंबल यहाँ पे आएगा। सपोज मुझे बी प्लस सी के लिए बनाना हो फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा यहाँ पे बी सिंबल आएगा, यहाँ पे सी सिंबल आएगा, बाकी सब डायग्राम हमारा सेम रहेगा। मीन्स दो नल यहाँ पे लगेंगे और दो नल यहाँ पे रहेंगे, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, दिस इज द रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 क्या होता है, कॉन्केटिनेशन के लिए बेसिकली यूज होता है। कॉन्केटिनेशन मीन्स हमारे पास सपोज रेगुलर एक्सप्रेशन में ए डॉट बी है, या बी डॉट सी है, या सी डॉट ए है, कुछ भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल उसमें 3 स्टेट्स लेंगे, क्योंकि हमारे पास दो सिंबल है कॉन्केटिनेशन के केस में, तो हम क्या करेंगे 3 स्टेट्स लेंगे और उसके बीच में क्या पुट कर देंगे, सपोज ए बी एक्सप्रेशन है, तो दिस इज ए एंड दिस इज बी, ट्रांजिशन दिस इज ए एंड दिस इज बी, वन विल बी द इनिशियल स्टेट एंड लास्ट वन विल बी द फाइनल स्टेट। सो दीज आर द 4 रूल्स ऑफ आवर थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड। सो लास्ट रूल हमारा होता है ए बेसिकली क्लोजर, दिस इज कॉल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर। ओके, क्लोजर के अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली स्टार लगाते हैं। ठीक है, कोई भी हमारा एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा उसके ऊपर अगर स्टार लगा हुआ, इट मींस वी हैव टू अप्लाई द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमारा NFE क्या रहेगा, बेसिकली हमें 4 स्टेट लेनी पड़ेंगी इसके अंदर। ठीक है, तो जो हमारा मेन सिंबल रहेगा, सपोज ए स्टार के लिए मुझे बनाना है, तो इन दोनों स्टेट के बीच में मैं सिंपल ए पुट कर दूंगा, उसके अलावा दो स्टेट्स और एड करूंगा, एक इससे पहले और एक इसके बाद में, और फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ अटैच करेंगे, और इससे प्रीवियस वाले को इसके नेक्स्ट वाले के साथ अटैच करेंगे विद द हेल्प ऑफ एरो, और ये सभी एरो किससे रिप्लेस हो जाएंगे, हमारे नल से रिप्लेस हो जाएंगे। तो अगर आपको आपको कोई भी NFE डिजाइन करना है विद द हेल्प ऑफ थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड फ्रॉम द रेगुलर एक्सप्रेशन, तो यू कैन इजीली क्रिएट विद द हेल्प ऑफ दिस एल्गोरिथम। आपको इन 5 स्टेप्स के थ्रू आप कोई भी NFE डिजाइन कर सकते हैं, आपके पास किसी भी तरह का रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाएगा, इनमें से कोई ना कोई एक रूल लगेगा, या फिर हो सकता है दो लगे, या हो सकता है पांचों लगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये पांचों रूल पता है, तो आप इजीली इसका NFE क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, जिसमें हम हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन होगा, और उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, बेसिकली NFE डिजाइन करेंगे। ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन इस तरह के। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस।